और पूर्व घोषित एक दिवसीय भारत बंद के तहत आदिवासी समाज के लोगों ने आद्रा रेल डिवीजन के अधीन काटाधी रेलवे स्टेशन और चांडल रेलवे स्टेशन और रेलवे ट्रैक को पूरी तरह से जाम कर दिया, जिससे इस रूट में चलने वाली सभी ट्रेन अलग अलग स्टेशनों पर रुकी हुई है। तो बता दें कि आदिवासी समाज के लोगों ने सरना धर्म कोड एवं अन्य मांगों को लेकर आदिवासी सेंगेल अभियान द्वारा सांकेतिक भारत बंद और रेल रोड चक्का जाम के तहत इस रेलवे ट्रैक को जाम किया है। तो इस रेल चक्का जाम के नेतृत्वकर्ता सोनाराम सोरेन ने कहा कि आदिवासियों को भी धार्मिक आजादी होनी चाहिए। वहीं संविधान के अनुसार धार्मिक आजादी पर किसी की पाबंदी नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना में आदिवासियों की संख्या 50 लाख थी, जबकि जैन की संख्या 44 लाख थी। वहीं सरकार ने जैन धर्म को अपनी संवैधानिक अधिकार दे दिया है, परंतु आदिवासियों को अपना हक नहीं मिला है। मौके पर सोनाराम सोरेन के साथ काफी संख्या में आदिवासी समाज के महिला पुरुष मौजूद रहे। भाई आदिवासी संगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीत बुंगा पर्सी जीत करिय दिसोम गोम के सालखान मुरू के आह्वान पर पूरे भारत में रेल रोड चक्का जाम का आह्वान किया गया है। क्योंकि भारत के प्राकृतिक पूजक आदिवासी 15 करोड़ लगभग हैं, लेकिन आज तक उनको सरना कोड नहीं दिया गया है। भारत देश में यदि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध को आप दे सकते हैं, तो भारत के 15 करोड़ आदिवासियों को आप क्यों नहीं दे सकते हैं? 2011 की जनगणना में हम आदिवासियों ने 5 लाख जनगणना